नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा हर साल हुआ करेगी। इसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि CTET, BED, DLED अपियरिंग वालों को दूसरे चरण में आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि CTET जनवरी 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 है। परीक्षा 21 जनवरी को होगी। बिहार TRE2 में अपियरिंग वालों को आवेदन का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में CTET परीक्षा के अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे थे कि उन्हें शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में आवेदन का मौका दिया जाए। बीएड व डीएलएड अवियरिंग वाले बार बार आयोग से अप्लाई करने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन अब आयोग ने यह साफ कर दिया है कि अपियरिंग वालों को TRE2 में आवेदन का अवसर नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि BPSC और शिक्षा विभाग के बीच हर साल शिक्षक भर्ती आयोजन करने पर सहमति बनी है। भर्ती आयोजित कराने का जिम्मा BPSC को ही सौंपा गया है। इससे पहले हर साल STET परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट आ रही है कि TRE2 में और 50,000 वैकेंसी जुड़ेंगी। रिक्तियां बढ़कर कुल 1.20 लाख हो जाएंगी। BPSC बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए अब तक 1.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। बता दें कि बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक थी। वहीं विलंब शुल्क के साथ 15 से 17 नवंबर तक थी। वहीं अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 नवंबर तक भर सकते हैं। इस बार आयोग के सचिव रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के अंदर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।